हेलो दोस्तों, हम काव्य हेतु इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों के सम्मिलित रूप को स्वीकार किया है। इससे पिछली क्लास में हमने प्रतिभा नामक काव्य हेतु का अध्ययन कर लिया था। आज हम उनका दूसरा जो काव्य हेतु है वो निपुणता, उसका अध्ययन करेंगे। व्युत्पत्ति से तात्पर्य लौकिक व्यवहार शास्त्र काव्य आदि का अध्ययन करके उनका ज्ञान प्राप्त करना है। कवि की वाणी सभी विषयों का वर्णन करने में समर्थ होती है। कवि को सभी लौकिक व्यवहारों का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कवि की वर्णन की परिधि में न आता हो। इसलिए कहा भी गया है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न स कला। यदि कवि किसी विषय को अच्छी तरह से जानता है तो उसके वर्णन में स्वाभाविकता और औचित्य होता है, जो पाठक को अधिक से अधिक प्रभावित करता है। इसलिए राजशेखर ने औचित्य एवं अनौचित्य के विवेक एवं बहुलता को ही व्युत्पत्ति कहा है। जब बात आचार्य मम्मट की आती है तो मम्मट निपुणता के विषय में कहते हैं, लोकस्य स्थावर लोकवृत्तस्य शास्त्राणाम छंदो व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर वर्ग गज तुरंग खड़ग आदि लक्षण ग्रंथा नाम काव्या नाम च महाकवि संबंधी नाम आदि ग्रहणाद इतिहास आदि नाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही। अर्थात लौकिक व्रत शास्त्र काव्य आदि का निरीक्षण एवं अनुशीलन करने से निपुणता प्राप्त होती है। निपुणता को हम इस तरह समझ सकते हैं, लौकिक व्यवहार इसके अंतर्गत जंगम और स्थावर चराचर कहने का मतलब यह है। दूसरा जो है इनका लक्षण ग्रंथ, इसके अंतर्गत छंद व्याकरण कोश गज चतुर वर्ग
तुरंग खड़ग आदि लक्षण ग्रंथ आते हैं। जो तीसरा है वह काव्य है। इसके अंतर्गत महाकवियों द्वारा रचित रचित ग्रंथ को ले सकते हैं। और चौथा है आदि। आदि से तात्पर्य इतिहास ग्रंथ से है। जो प्रतिभाशाली कवि होता है वह चराचर जगत के व्यवहार का निरीक्षण करके उसे एक विशेष अनुभूति की प्राप्ति होती है। इसी तरह छंद, व्याकरण, कोश, गज चतुर्वर्ग, कलाओं आदि शास्त्रों का निरीक्षण अनुशीलन करने से उन्हें विविध विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वाल्मीकि आदि कवियों द्वारा रचित काव्यों का अध्ययन करने से रसादि विषयक संस्कार दृढ़ होते जाते हैं और उन्हें उनकी काव्य शैली का सम्यक बोध भी होता है। और इतिहास से आख्यानादि का आधार ग्रहण करके वह उत्तम काव्य का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गया है कि लौकिक व्यवहारों का ज्ञान, लौकिक व्यवहार का निरीक्षण करने से, लक्षण आदि ग्रंथों का अनुशीलन करने से, काव्यों का आस्वादन करने से तथा इतिहास के विमर्श से व्युत्पत्ति उत्पन्न होती है। इसे ही आचार्य मम्मट ने निपुणता कहा है। आज की क्लास में हमने व्युत्पत्ति जो कि दूसरा काव्य हेतु है, इसका अध्ययन किया था। हम अगली क्लास में जो इसका तीसरा हेतु है अभ्यास, इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।